हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट एस्टीमेशन टेक्निक्स की। तो ये टेक्निक्स आती हैं बेसिकली एसपीएम, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो ये हमारा हो गया थर्ड फेज। तो पहले फेज में हमने बात की थी फिजिबिलिटी स्टडी की, फिर हमने बात की एसआरएस जो कि मेरे पास आता है रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन फेज में, और अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट एस्टीमेशन। तो प्रोजेक्ट एस्टीमेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपका जो कोकोमो मॉडल है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स काफ़ी बार एग्जाम के ऊपर आए हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो पोर्शन है जिनमें से न्यूमेरिकल आते हैं और इनमें से एक जो है वो आपका कोकोमो। ऑल दो आपको पॉइंट यहाँ पे याद ही रखने, कुछ डिराइव नहीं करना, बस आपको उन वैल्यूज को सिंपली फॉर्मूलाज में पुट्टी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट पैरामीटर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी। तो ये टॉपिक जो है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आता है, मतलब प्रोजेक्ट को हमने फिजिबल हमने चेक कर लिया कि यस वो फिजिबल है, उसके बाद हमने उसकी रिक्वायरमेंट एसआरएस में सारा कुछ लिख लिया कि क्या क्या चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हमने कस्टमर से साइन भी करवा लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्लानिंग फेज में। तो प्लानिंग फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एस्टीमेशन, और एस्टीमेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है एफर्ट एस्टीमेशन के बारे में। बात करेंगे कि कितने एफर्ट्स जो है वो इस प्रोजेक्ट पे लगेंगे, कॉस्ट कितनी लग सकती है, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इन सब चीजों के ऊपर ना कहीं डिपेंड करता है ये सारी की सारी प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट का साइज है, एफर्ट्स रिक्वायर्ड, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट की कॉस्ट, तो इन चीजों के ऊपर ना कहीं आप कह सकते हो कि नेगोशिएशन भी बहुत चलता है, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जाओगे किसी थर्ड पार्टी के पास, अपनी कोई वेबसाइट या कोई भी प्रोजेक्ट बनवाने जाओगे, तो वो आपको पहले सारे मॉड्यूल्स वगैरह पूछेंगे क्या क्या है, आपके सब एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिख दिया। अब वो कहीं ना कहीं उसके बाद क्या होगा, प्लानिंग फेज में ये सारी चीजें जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा ना, प्रोजेक्ट मैनेजर ये सारी चीजों को प्लान करेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो ये प्लानिंग फेज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही आप कह सकते हो कि कॉस्ट वगैरह, ड्यूरेशन, ये सारी की सारी आप एस्टिमेट कर सकते हो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो यहाँ पे एस्टिमेशन में मेरे पास तीन चीजें आती हैं, एम्पिरिकल, हेरिस्टिक एंड एनालिटिकल एस्टिमेशन, ठीक है। ऑल दो ये है सारा थ्योरेटिकल सा ही पोर्शन, लेकिन जो कोकोमो मॉडल है वो हम बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो देखो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन ये हमारे पास हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक में, जिसमें हमारे पास दो आती हैं, एक्सपर्ट जजमेंट एंड डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन। गाइज इनके सिर्फ नाम याद रखना, इसमें आपको इससे ज्यादा घुसने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, एम्पिरिकल एस्टिमेशन में ना हम कॉस्ट की एस्टिमेशन, टाइम की एस्टिमेशन, एफर्ट की एस्टिमेशन बेस्ड ऑन क्या कर रहे हैं, कुछ गेस, बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। तो यार इस चीज को आप ऑब्वियसली थ्योरेटिकली बोल सकते हो कि कॉमन सेंस, जैसे होता है ना कि आप कोई चीज नहीं लेके आते हो तो आप घर वालों को कहते हो कि गेस करो कि कितने की आई। तो यार ये एक कहीं ना कहीं गेस हो सकता है कि सही लग जाए, हो सकता है ना सही लगे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में आप कह सकते हो कि सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस ही काम आएगा, ठीक है ना। कोई बंदा अगर बिल्कुल नया है तो उसके लिए ऑब्वियसली ये चीज गेस मारना बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, कोई ऑलरेडी शॉपिंग करता है, उसको पता है कि शॉपिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्राइस पे आप किस प्रोडक्ट को खरीदते हो, तो वो कहीं ना कहीं गेस जो है वो नियरेस्ट पहुंच सकता है। कॉमन सेंस जो है वो इस चीज में काम करती है, ठीक है ना। उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं नॉलेज चाहिए, एजुकेटेड जो है वो गेस लगाना यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो वही वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक्सपर्ट जजमेंट टेक्निक जो है, इन दिस एक्सपर्ट मेक्स एन एजुकेटेड गेस ऑफ द प्रॉब्लम साइज आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम थोरली। थोरली उसको सारा देख के, उसको समझ के, कितने उसके अंदर फंक्शंस, कितने उसके अंदर मॉड्यूल्स, ये सारा कुछ उसको थोरली वहां पे गेस कर रहा है। और डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन, और इसमें मेन डिफरेंस बस नोट कर लेना, डेल्फी कॉस्ट में क्या है, टीम ऑफ एक्सपर्ट है। यहाँ पे क्या है, अकेला, अलोन देयर इज अ वन, और मैक्सिमम आप कह सकते हो एक बंदा ही है या एक से ज्यादा हो सकता है, एक आधा बंदा, एक या दो बंदे। लेकिन डेल्फी में हमारे पास क्या है, ए टीम ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि काम वही कर रहे हैं एज इट इज, जो एसआरएस डॉक्यूमेंट आपको मिला है उसके बेसिस पे थॉरली सारा चेक करके कर वो भी एस्टिमेट ही रहे हैं, कर वो भी क्या रहे हैं, एक तरह से गेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टीम ऑफ पीपल है, वहां पे अकेला बंदा, बस यही मेन डिफरेंस है। मे भी आपको एग्जाम में पूछ ले, वैसे दूर दूर तक ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में चाहे आ जाए 5 नंबर का 10 नंबर का, कॉम्पिटिटिव में इससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि मेन आपको जो है वो ध्यान रखना है कोकोमो मॉडल, बस उसी के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पूछा जा सकता है। देन देखो हमारे पास नेक्स्ट आ गया हेरिस्टिक में।
ह्यूरिस्टिक में भी वही कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू चाहिए। तो यार ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करना भी कोई इजी टास्क नहीं है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे हम आज के टाइम पे मशीन लर्निंग वगैरह हम यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम हमारा लर्न करेगा तभी वो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो एस्टिमेटेड पैरामीटर का इन्होंने फॉर्मूला दे दिया C1 2 × e^d1। तो यार इस फॉर्मूले को सिंपली आपको यूज करना है और इसके अलावा इससे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली हम सिंगल वेरिएबल मॉडल में ना, सिंगल वेरिएबल मॉडल में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर कोकोमो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कोकोमो का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले। तो ये आपको वही सारी कहानी बता रहे कि यहाँ से मेन स्टार्ट होता है, दैट इज कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ठीक है। ये बैरी बॉहम इन 1981 में फर्स्ट इसको प्रपोज किया था। तो कोकोमो मॉडल में हम बेसिकली करते क्या है, साइज एस्टीमेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, या तो हम क्या साइज कर रहे हैं, या हम LOC के बेसिस पे साइन करते हैं, दैट इज लाइन ऑफ कोड के बेसिस पे, या फिर हम फंक्शन पॉइंट के बेसिस पे करते हैं। तो लाइन ऑफ कोड के बेसिस पे मतलब क्या कि एक तरह से डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड है। जैसे अगर आपने घर बनाना है तो घर की आप लेट से कोई एस्टिमेशन कर रहे हो कॉस्ट कितनी, तो आपने पहले एस्टिमेट कर रहे हो। लाइन ऑफ कोड मतलब एक तरह से आपको टोटल, आपको ये चेक करना है कि यार पहले एस्टिमेट कर लो कि कितनी ब्रिक्स लगेंगी टोटल, मतलब कितनी टोटल ईंटे लगेगी। और ऑब्वियसली इसको गेस करना कोई इजी टास्क थोड़ी ना, इसको कैलकुलेट करना भी कोई इजी टास्क नहीं है। हाँ फंक्शन पॉइंट में आप ये कह सकते हो, फंक्शन पॉइंट थोड़ा बड़ी टर्म होगी, मतलब आप कह सकते हो कि कितनी वॉल्स होंगी घर में, तो वो कहीं ना कहीं काउंट करना थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू द LOC। बट यहाँ पे हम कोकोमो में बेसिकली लाइन ऑफ कोड के ऊपर ही यहाँ पे बात करते हैं। तो इसको भी आगे क्या किया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक, उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा सेमी डिटैच, और फिर आता है एम्बेडेड। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो तीन मोड है हमारे पास, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड। तो प्रोजेक्ट का साइज अगर ये है 2 से लेके 50 KLOC, KLOC मतलब क्या है, किलो लाइन ऑफ कोड, और यहाँ पे अगर इतना है और यहाँ पे अगर इतना है, तो इसको हमने इस तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इसको बोल रहे हैं स्मॉल प्रोडक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ कोड, दैट्स इट। और ये मीडियम, ये लार्ज साइज का हो गया। यहाँ पे इनोवेशन कम है क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है, इनोवेशन यहाँ ज्यादा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे डेडलाइन जो है वो ज्यादा हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे आप कह सकते हो डेडलाइन ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। फेमिलियर एंड इन हाउस मतलब कहीं ना कहीं आपको, आप कह सकते हो कि आपको मतलब कंपनी के अंदर ही बैठ के आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कस्टमर इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा है एम्बेडेड के केस में। तो कई बार होता है ना, आपने सुना होगा कि आपको कोई फ्रेंड जैसे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उसको इंडिया से बाहर भेज दिया, सीधा क्लाइंट साइड पे भेज दिया। तो क्लाइंट साइड पे अगर हम भेज रहे हैं तो यानी प्रोजेक्ट जो है वो काइंड ऑफ एम्बेडेड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्सन मंथ। ये बेसिकली एफर्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यूनिट है। आप कह सकते हो जैसे नॉर्मल लीटर, किलोमीटर, ये सारे ऐसे यूनिट है, ऐसे ही हमारे पास एफर्ट को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज अ पर्सन मंथ इज अ यूनिट। गेटिंग द पॉइंट। तो पर्सन मंथ का बेसिक सा फंडा मैं आपको बताता हूँ कि पर्सन मंथ जो होता है वो क्या है। ये देखो पर्सन मंथ इज अ मेजरमेंट यूनिट फॉर एफर्ट इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि वन पर्सन मंथ, इसका मतलब क्या है कि एफर्ट पुट बाय अ पर्सन इन वन मंथ, गेटिंग द पॉइंट। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं 100% मंथ, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% एफर्ट पुट बाय 100% इन वन मंथ या 1% इन 100 मंथ्स। ये बेसिकली क्या है कि ग्राफिकली आप कह सकते हो डिजाइन कर रहे हो, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार सेम नंबर ऑफ पर्सन ही रिक्वायर्ड होंगे। डेवलपमेंट फेज में कई बार होता है कि इनिशियल स्टेज पे आपको 10 बंदे की रिक्वायरमेंट है, फिर आपको 20 पीपल की रिक्वायरमेंट है, फिर आपको लेट से 10 बंदों की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। सो एफर्ट इज नॉट कैलकुलेटेड, या आप कह सकते हो पर्सन मंथ इज नॉट एग्जैक्टली कैलकुलेटेड, इट इज अ काइंड ऑफ ग्राफ वी मेड बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे लेट से अगर मैं बोलूँ कि 3 डेवलपर ने 4 महीने काम किया, तो आप कह सकते हो कि कितनी होगी, 12% मंथ यहाँ पे आप कह सकते हो एफर्ट होगी। या अगर लेट से आप कहते हो 4 डेवलपर्स ने 3 महीने लगातार काम किया, तो आप कह सकते हो उस केस में 12 जो आप कह सकते हो PM, दैट इज अ 12% मंथ उस केस में एफर्ट होगी। बट अगर आपको नॉर्मल इस तरीके से दे दें कि 100% मंथ, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 मंथ काम किया एक बंदे ने, या आप कह सकते हो कि 100
बंदों ने काम किया 1 महीने, ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं करते। रीजन उसका यही है कि ये वैल्यू जो है ना कहीं आप कह सकते हो कि वेरी करती है, जो आपकी नीड है, जो कस्टमर्स की वैल्यू है, जो आपकी डेवलपर्स के नंबर है, वो कहीं ना कहीं वेरी करते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस ग्राफ वी एक्चुअली कैलकुलेट द पर्सन मंथ। नेक्स्ट इनके वर्जन के बारे में बात कर रहा है, तो देखो यहां से अब आ गया हमारा बेसिक कोकोमो, 3 तरीके से, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड कंप्लीट। तो पहले देखो बेसिक में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एफर्ट कैलकुलेट करने। गाइज इन फॉर्मूलाज को ड्राइव नहीं करना, आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए मेरे को ये ज्यादा कहानी सी ना पसंद नहीं है, क्योंकि जिस चीज में आपको याद करना पड़े, रट्टा मारना पड़े, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो ये अब आपको करना ही पड़ेगा याद, एफर्ट का फॉर्मूला ये है आपके पास। और इसके अलावा अगर हम बात करें एस्टिमेटेड टाइम टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, दैट इज अ टी डेव, ठीक है ना। ये पर मंथ हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, पहले एफर्ट कैलकुलेट करते हैं। एफर्ट की ये जो वैल्यूज है ना, A1, A2, ये आपका B1, B2, ये भी वैल्यूज आपकी जो है ना कॉन्स्टेंट है। तो बेस्ड ऑन दिस की वेदर इट इज अ ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड, ये वैल्यूज भी आपको याद ही करनी पड़ेंगी। इन वैल्यूज का ना प्रॉपर टेबल जो है वो बना हुआ है, ये रहा A1, A2, B1, B2, ये सारी वैल्यूज जो है ना वो आपको याद करनी पड़ेंगी। बट वैसे मैंने जितने भी क्वेश्चंस इसके ऊपर देखे हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में उन्होंने क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ वैल्यूज को उठाना है और डायरेक्टली पुट करना है। जैसे देखो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, कंसिडर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट यूजिंग द सेमी डिटैच मोड विद 30,000 लाइन ऑफ कोड। तो 30,000 मतलब 1K क्या होता है, 1,000, तो यानी ये 30K बन गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, 30K, गेटिंग द पॉइंट, किलो लाइन ऑफ कोड बन गया। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, ये हमारे पास फॉर्मूला था KLOC। तो KLOC सेमी डिटैच्ड है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, KLOC की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 30, गेटिंग द पॉइंट। तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखो इसने इसी तरीके से किया होगा यहाँ पे, ये देखो 3.0 × 30 और उसकी पावर जो है वो 1.12 कर दिया, और ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आपके पास ई जो है वो आ गई 135 पर्सन मंथ एफर्ट आ गई, गेटिंग द पॉइंट। अब ये वैल्यू आपकी ई की आ गई, अब इस वैल्यू को पुट कर दो टी डेव में, क्योंकि हमें फाइनली निकालना है यहाँ पे कितने टोटल मंथ मुझे लगेंगे डेवलपमेंट के लिए। तो अगेन सेमी डिटैच वाले में ही पुट करना, 2.5 एफर्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 135 की पावर 3.35, ठीक है। तो इसको पुट कर दो, इसने ऐसे किया होगा यहाँ पे, ये 2.5 और इसकी पावर 0.35, तो ये आ गया 14 मंथ। तो 14 मंथ आपके पास यहाँ पे सीधा आप कह सकते हो आंसर आ गया। अब अगर आपको यहाँ पे ये भी दे दें कि लेट से एक डेवलपर की, एक बंदे की सैलरी अगर लेट से $10,000 है, तो टोटल कितना अमाउंट होगा, तो ऑब्वियसली 10,000 आपको दे दिया और एक महीने की, तो यहाँ पे 14 मंथ्स आपने निकाल लिए, तो यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे पर्सन एस्टीमेशन यहाँ पे पूछा हुआ है, तो पर्सन एस्टीमेशन का फॉर्मूला होता है एस्टीमेशन डिवाइड बाय टाइम। तो आप कह सकते हो 135 डिवाइड बाय 14, मतलब कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसको एवरेज स्टाफ साइज भी बोलते हैं, ई बाई डी वैल्यू। प्रोडक्टिविटी आपको पूछ रहे हैं, तो KLOC की वैल्यू आपको जैसे दे रखी है यहाँ पे, KLOC की वैल्यू 30,000 दे रखी है ना, तो 30K हो गया, और 30 डिवाइड बाय आपको एस्टिमेशन कितना हो गया, 135। तो ये वैल्यू भी आपको दे रखी है, बस इस वैल्यू को आप पुट कर दो, तो प्रोडक्टिविटी भी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूलाज जो है आप सारे नोट कर लेना, इनके ऊपर गाइज काफी बार क्वेश्चन आए और डायरेक्ट ही है। ज्यादा से ज्यादा आपको बस ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे नहीं दिया कि वेदर इट इज अ ऑर्गेनिक, वेदर इट इज अ सेमी डिटैच्ड, आपको यहाँ पे खुद पता लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा बस ये पॉइंट जो है वो याद रखना, ये आपका हमने इस टेबल में किया था ना, ये वाला। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये दे दिया क्वेश्चन में कि लेट से देर इज अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का जो साइज है वो है 250 KLOC, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अगर इस तरीके से दे दिया, तो आपको ये जो इनकी रेंजेस है बस इन रेंजेस को याद रखना। इसके अलावा आपको जो ABC और ये जो वैल्यूज हैं कांस्टेंट की, ये ज्यादातर क्वेश्चन में दी होती हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उनमें ऑलरेडी दी हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिक कोकोमो की जो एडवांटेज है, इट इज गुड फॉर क्विक रफ एंड अर्ली एस्टिमेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉस्ट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये जो हार्डवेयर कंस्ट्रेंट की यहाँ पे बात नहीं करता, पर्सनल क्वालिटी
एक्सपीरियंस यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स की यहाँ पे बात नहीं करता। मतलब कहने का कि इनको ये अपने, आप कह सकते हो एक तरह से अपने फॉर्मूलाज में उनको यूज नहीं कर रहा। हार्डवेयर कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि जैसे बहुत सारे हार्डवेयर्स हैं, उन हार्डवेयर्स की क्या रिलायबिलिटी है, क्या उनकी सिक्योरिटी है, ठीक है, कितना उनको यूज कर सकते हैं। पर्सनल पर्सनल मतलब कि जो डेवलपर्स, जो बंदे काम करेंगे उनकी क्वालिटी क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी एक्सपीरियंस, ठीक है। यूज ऑफ मॉडर्न टूल मतलब जो प्रोजेक्ट के अंदर आप वेरियस कहीं ना कहीं टूल्स यूज कर रहे हो, टेक्निक्स यूज कर रहे हो, वेदर इट इज मॉडर्न वेदर इट इज ऑब्सोल्यूट, क्या मतलब उनको यूज कर रहे हो, इन चीजों को यहाँ पे नहीं काउंट करता। तो नेक्स्ट फिर आता है इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, जो कहता है कि मैं इन सारी चीजों को ध्यान में रखूंगा। मतलब बेसिक कोकोमो तो है ही, प्लस इसने क्या किया, इसने 15 कॉस्ट ड्राइवर्स जो है वो कैटेगराइज कर लिए और उनके बेसिस पे ये क्या करता है, वैल्यूज जो है वो उनको यूज करता है। जैसे देखो यहाँ पे आपको पता लगेगा, जैसे हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, इस तरीके से ना उन्होंने एट्रीब्यूट्स ये बना लिए। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये अगर वैल्यूज आती हैं तो आपको टेबल में कहीं ना कहीं दी होंगी। जैसे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है उसमें रिलायबिलिटी की बात करते हैं, डेटाबेस साइज की, प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वेदर इट इज वेरी लो रिक्वायर्ड, लो रिक्वायर्ड मतलब क्या रिक्वायर्ड है। कई बार जैसे क्वेश्चन में आपको दे देते हैं इस तरीके से, क्वेश्चन से आपको आइडिया होगा। जैसे देखो, कंसीडर अ प्रोजेक्ट हैविंग 30,000 लाइन ऑफ कोड विच इज अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये आपको बता ही दिया, विद क्रिटिकल एरिया, हेंस रिलायबिलिटी इज हाई, रिलायबिलिटी हाई मतलब आपको ये दे दिया कि रिलायबिलिटी यहाँ पे चाहिए। बेसिक कोकोमो में ये हम बात नहीं करते, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा एटीट्यूड बोल दिया कि रिलायबिलिटी मेरे को हाई चाहिए। तो एस्टिमेशन हम कैसे निकालते हैं, अब इसके फॉर्मूले में यहाँ पे इसने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए, मल्टीप्लाई विद ईएएफ, मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने, ईएएफ, और ईएएफ की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, ईएएफ इज अ एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। तो यहाँ पे मेरे पास एफर्ट को एडजस्टमेंट कैसे करना है, रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी क्या चाहिए मेरे को, हाई। तो हाई का मतलब क्या है, ये देखो 1.15, अगर आपको बोलते वेरी हाई तो ये उठा लो, लो बोलते तो ये उठा लो, ये वैल्यूज बस आपको उठानी है, करना आप कुछ भी नहीं है, वही सेम आपके पास ये जो वैल्यूज हैं इसका टेबल जो है A1 और B1 का टेबल इंटरमीडिएट में चेंज हो गया, B2 B3 वाली जो वैल्यूज है वो आपके सेम है, लेकिन यहाँ पे A1 और B1 जो है वैल्यूज, ये अब आपको ये वाली यूज करनी है इसमें। तो इन वैल्यूज के बेसिस पे देखो एम्बेडेड है ना, तो 2.8 आ गई एंड 1.20, बस उसको पुट कर दो यहाँ पे, ये देखो 2.8 1.20, और 30 हमारा लाइन ऑफ कोड कितना है, 30K है, तो 30 वैल्यू पुट कर दी इंटू 1.5। ये क्यों किया, जो हमने कॉस्ट इफेक्टिव जो है यहाँ पे फैक्टर यूज किया है 1.15, तो ये 191 पर्सन मंथ आपकी एफर्ट्स आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, भाई डेवलपमेंट टाइम पर मंथ, मतलब डेवलपमेंट टाइम निकालना है कितने मंथ हमें अप्रोक्सीमेट लगेंगे, तो ये B1e की पावर B2, तो ये B1 B2 कहाँ से निकालना है, ये B1 B2 आपके कोकोमो मॉडल वाले, ये देखो B1 एंड B2, गेटिंग द पॉइंट। तो ये B1 B2 आपको डेवलपमेंट टाइम पे यही यूज करने हैं जो एम्बेडेड में हमने कोकोमो में किए थे, बेसिक कोकोमो में वही वैल्यूज आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी, और ये वैल्यूज आपने भरी तो 13 मंथ आपके पास आ गया। फिर उसके बाद आपने एवरेज स्टाफिंग निकाल लिया, और एवरेज स्टाफिंग क्या बना, E/D, सो 15% अप्रोक्सीमेट। अब आपको एक मंथ की अगर बंदे की सैलरी बता दें कि इतनी सैलरी है ये, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल सकते हो कि कितनी टोटल कॉस्ट लगेगी, कितना टोटल हमारे पास टाइम लगेगा, ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी। मेरिट की अगर हम बात करें तो हमने वही जैसा कि जो बेसिक कोकोमो में नहीं था वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन डी मेरिट में यहाँ पे क्या कह रहा है, ये मेन पॉइंट है, फेजेस, मतलब ये कह रहे हैं कि जो बेसिक कोकोमो है ना और जो इंटरमीडिएट है, ये दोनों पूरे प्रोजेक्ट को एक सिंगल होमोजीनियस एंटिटी की तरह कर रहे हैं कंसीडर। ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक बड़े प्रोजेक्ट में छोटे छोटे स्मॉल सब प्रोजेक्ट्स हो, तो ये उसको डिवाइड वहां पे अलग अलग फेजेस में उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, जो कि फिर थर्ड आया कंप्लीट कोकोमो। कंप्लीट कोकोमो क्या कहता है कि जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसको हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से उनके ऊपर लगाएंगे, वही बेसिक कोकोमो और इंटरमीडिएट, लेकिन जो प्रोजेक्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट, ये देखो ये आ गया एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट कोकोमो। जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, MIS सिस्टम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ऑफिसेज एट सेवरल प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री। तो देखो डेटाबेस पार्ट को हमने सेमी डिटैच्ड में कर दिया, GUI जो बनाना है फ्रंट एंड उसको हमने ऑर्गेनिक, और जो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क का है वो हमने एम्बेडेड में कर दिया। तो हम इस तरीके से लगाएंगे, वही हम जो भी क्वेश्चन में दिया होगा कि बेसिक कोकोमो
बस ये याद रखना कि डेटाबेस पार्ट में आपको अगर बोल दिया बेसिक कोकोमो तो सेमी डिटेच्ड के अकॉर्डिंग करना, और उसको ऑर्गेनिक के और उसको एम्बेडेड, ऑल दो चांसेस बहुत कम है। बेसिक कोकोमो से ही आपके पास आप कह सकते हो 99% क्वेश्चन बेसिक कोकोमो या फिर इंटरमीडिएट तक वो पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है।